जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं अगस्त महीने के राशिफल की। अगस्त का महीना कल से लग जाएगा, तो शुरू करते हैं। कर्क लग्न का उदय रहेगा, लग्न में ही सूर्य मंगल चंद्रमा शुक्र विराजमान रहेंगे। दो क्रूर ग्रह, दो सौम्य ग्रह चतुर्ग्रहियों का निर्माण करेंगे, जहां सूर्य चंद्रमा अमावस युग का भी निर्माण करेंगे। बुध राहु बारहवें भाव में अपने ही घर में विराजमान रहेंगे, गुरु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, शनि केतु धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों लग्न जो है कर्क, वो आश्लेष्य के प्रथम चरण में होगा। चंद्रमा मंगल शुक्र अस्त रहेंगे, बुध गुरु शनि राहु केतु पांच ग्रह वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। दशा शनि की रहेगी, राहु जो है पुनर्वसु के प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं, केतु भी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गति कर रहे हैं, शनि पूर्वाषाढ़ तृतीय चरण शुक्र के नक्षत्र में गति कर रहे हैं, मंगल आश्लेषा के तृतीय चरण में गति कर रहे हैं, सूर्य पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शनि का जो नक्षत्र है गति कर रहे हैं। तो इन जो भी मैंने नक्षत्र बताए हैं, इनका जो अक्षर है जी, अगर इनसे आपका नाम हो जन्म अक्षर हो ये, तो आप सावधान रहिए, आपके लिए काफ़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। बात करते हैं अब परेशान रहने वाली राशियाँ जो कष्ट मृत्यु तुल्य कष्ट पा रही हैं, उनमें सर्वप्रथम आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपको अंतिम चरण की नहीं साढ़े साती चली हुई है, राहु का अष्टम भाव में गोचर होना मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, जहाँ से शनि और राहु का दृष्टि संबंध भी विराजमान है और गुरु भी अर्थात धनु राशि के स्वामी गुरु वक्री होकर चल रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा पीड़ादायक समय है। कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं। पति या प्रेम रूप में आपको परेशानी हो रही है, कारोबार धंधे रूप में आपको परेशानी हो रही है, अगर आपने कर्जा ले रखा है तो उसकी चिंता आपको हो रही है। नौकरी में भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, शारीरिक परेशानी भी आपको बनी हुई है, कहीं किसी और से कोई मदद नहीं है, तो यह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट के समान दर्द दे रही है। शनि तो थे ही और राहु का भी साथ मिल रहा है, जहाँ गुरु वक्री हो गए हैं और जो भी आपके सौम्य ग्रह हैं मदद करने वाले ग्रह हैं वो पीड़ित चल रहे हैं। तो उसके बाद जो कष्ट पाने वाली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि भी पति या पिता के लिए पीड़ित है, रोजगार धंधे के लिए इनको भी काफ़ी तंग होना पड़ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कष्ट इनको भी है। इसके बाद है कर्क राशि, उसके बाद वृषभ राशि, उसके बाद धनु राशि, ये राशियां हैं जिनको कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि मकर राशि वालों, हार मत मानो, मेहनत करो, मेहनत पर ही फोकस करो, बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ और अपने कर्म पर ध्यान दो। कुछ चीज़ें होती है जो आपको छोड़नी होगी, जैसे विद्यार्थी ज्ञान के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मेरिट मानने के लिए मेहनत करता है, जैसे ऋषि मुनि सब चीज़ों को छोड़कर तपस्या करते थे, उसी प्रकार आप भी अपने कर्म में लग जाइए, सब कुछ भूल जाइए, काम वासना भूल जाइए, क्रोध भूल जाइए, आलस्य भूल जाइए और अपने काम पर लगे रहिए। विश्वास रखिए 2020 आते आते आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, बस यदि आप सच्चे मन से भगवान की सेवा कर रहे हैं और आपका वर्ण विप्र है तो राहु आपको तंग कर रहा है, बाकी आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। तो धैर्य बनाकर रखिए, ईश्वर में मन लगाकर और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए वृश्चिक राशि वाले और धनु राशि वाले। बाकी राशियों की इतना कष्ट नहीं है। अगस्त का राशिफल यदि हम बात करें तो कर्क राशि को अभी कुछ दिनों से काम धंधे में संतान की तरफ से, पत्नी की तरफ से जो कष्ट उठाना पड़ रहा है उसमें और वृद्धि हो सकती है अगस्त के 10 दिन तक, उसके बाद में उनको राहत मिल जाएगी। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन आपको राहत देगा,
जहाँ वृश्चिक राशि के लिए कर्म भाव में सूर्य आएंगे तो आपके कर्म को चमकाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्नरत हैं तो सरकारी नौकरी भी आपकी लग सकती है, पिता से आपको मदद मिलेगी। तो आप सूर्य देवता का और 11 बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए। मकर राशि वालों, आपके राशि स्वामी होते शनि हैं पर वो साधारण राशि है, आप मंगल की उच्च राशि है, अतः शनिदेव इस राशि को भी पीड़ा खूब देते हैं। अतः आपको माँ दुर्गा की सेवा करनी चाहिए, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, इससे आपको शांति मिलेगी, रोजगार आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों को चंद्रमा की अर्थात भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए। मैं यह वीडियो डाल चुका हूँ कैसे, कब, कितना, सावन का महीना चल रहा है, आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अमावस्या योग भी अगर है आपके जन्मांक में तो आप इससे बच सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए, चंद्रमा का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। बुध राहु के साथ बैठा है अपने ही घर में, तो बुध से संबंधित जो भी हमारे कारोबार जो है, नाक, कान, जीभ, दांत, इनसे संबंधित परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले, यदि शादी से संबंधित आपको समस्या चल रही है, यदि प्रेम से संबंधित समस्या चल रही है, तो अभी उसको थोड़ा इग्नोर कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और कुछ महीने के बाद में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तब तक के लिए आप भगवान की सेवा में ही संलग्न रहें। गौमूत्र अवश्य ग्रहण करें, सुबह उठते के साथ गौमूत्र का छिड़काव करें। जितनी भी मैंने राशि बताई है, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कर्क राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, इन सभी राशियों को गौमूत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए। और गाय को हरा चारा आप खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, नमक का सेवन बहुत कम कीजिए, अपनों से मिलकर चलिए और संघर्ष से हार मत मानिए। यदि आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन विधि का विधान पूरा होने के बाद 2020 में आपको मिलेगा, तब तक आप मेहनत करते रहिए। और हो सके तो यदि आप कमाते हैं तो अपना दशांश दान अवश्य कीजिए, जानवरों को दाने डालिए, चींटियों को आटा डालिए, बंदरों को केले खिलाइए, तो इससे आपको जो महीना है बहुत अच्छा निकलेगा। माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, मंदिर में अवश्य दर्शन करने जाइएगा। राहु जी उनको भी परेशान कर रहा है, उनको भगवान शिव का सावन महीना चल रहा है, वहाँ बैठकर जल चढ़ाने के बाद राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और राहु को शांत करने के उपाय मैंने वीडियो में डाला हुआ है, आप सर्च कर पढ़ सकते हैं, अपना सकते हैं, अद्भुत लाभ होगा। शनि से संबंधित भी उपाय मैंने उसमें डाल रखे हैं, आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अगस्त राशि का राशिफल, जो राशियों को परेशानी हो सकती है, हो रही है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, आपके भी घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, यार दोस्त में अगर कोई तकलीफ में है, वृश्चिक राशि वाला, मकर राशि वाला है, तो यह आप उसको सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।